Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video I'll be sharing with you guys my collection of J. Dot fragrances. So we'll be discussing about which ones are good and which ones are not, and what to buy and what not to buy. So let's move on to the video, but before moving on, please hit like and subscribe to my channel. Let me know in the comments below which ones are your favorite and which ones would you like me to test for you guys. So let's move on to the video now. So the first one which we have today is this one, which is Ruby J. Dot Ruby Parfum. Basically there are a set of fragrances. इसमें तीन fragrances हैं, I think Ruby and three more. तो वो मैं यहाँ पे list down कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं, और मैं इन सब की प्राइस यहाँ पे लिख दूँगी. इस ये जो है ना 25 ml की बॉटल है. इन्होंने छोटी बॉटल्स इसलिए निकालेंगे कि कोई अगर ज़्यादा महंगे परफ्यूम्स नहीं अफोर्ड कर सकता हो तो वो ये छोटी फ्रेगरेंसेस ले सकता है. इट्स अ 25 ml बॉटल और ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली भी है. सो दिस इज़ गुड. तो आप इनकी इनके तीन चार फ्लेवर्स हैं, उनमें से कोई एक ले सकते हैं. दिस वन वॉज गिफ्टेड टू मी. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्रेगरेंस नाउ. इसकी फ्रेगरेंस इज़ वेरी वुड लाइक एंड वेरी मच वुडी. इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि विल आई बाय इट अगेन और नॉट, देन आई विल से नो, बिकॉज इसकी फ्रेगरेंस शुरू में उदी है और फिर बाद में जाके फ्रूटी हो जाती है और थोड़ी सी स्वीट स्वीट सी भी है. तो वुडी और स्वीट फ्रेगरेंसेस का कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता. आई विल नॉट री परचेज इट, बट इट्स अ गुड फ्रेगरेंस, आई कैन रियली यूज़ इट. सो नेक्स्ट अप वी हैव इज मरजान. सो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेगरेंस है फ्रॉम जे डॉट फ्रेगरेंसेस. इसकी वजह ये है कि ये भी 50 ml फ्रेगरेंस है और इसकी प्राइस इस वजह से कम है. लोगों को ये लगता है कि क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल फ्रेगरेंस है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो भी कम है. इट्स अ 50 ml बॉटल और 1800 और 1700 तक की आपको मिल जाती है. तो मैं इसकी एग्जैक्ट जो इसकी प्राइस है वो आपको लिस्ट डाउन कर दूँगी, तो आप लोग उसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं. इसकी फ्रेगरेंस की अगर बात करें, टू मी इट्स अ वेरी सिट्रसी एंड चॉकलेटी फ्रेगरेंस. आई डोंट नो वेयर आई गेट चॉकलेट फ्रॉम, बट इट्स अ चॉकलेटी फ्रेगरेंस फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई. सो इट्स अ सिट्रस चॉकलेट फ्रेगरेंस. इट्स आप इसको समझ सकते हैं कि चॉकलेट कवर्ड ऑरेंज समझ लें इसकी फ्रेगरेंस. यस, इट इज़ चॉकलेटी फ्रेगरेंस, आई डोंट नो व्हाई, बट इसका जो ड्राई डाउन है वो ज़्यादा चॉकलेटी है. सो द क्वेश्चन इज, इसकी लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. सुबह से लेकर रात तक आपके कपड़ों में से इसकी फ्रेगरेंस नहीं जाती है, मतलब पूरे दिन के लिए इनफ है. और इसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी है. इट्स अ समर टाइम फ्रेगरेंस, सो क्योंकि सिट्रसी भी है और डे टाइम फ्रेगरेंस है बिल्कुल. सियाज भी बहुत अच्छा है. विल आई रीपर्चेज दिस, आई डोंट नो, आई मे बी एंड आई माइट नॉट बी. इसके लिए मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती कि मैं इसको रीपर्चेस करूँगी या नहीं, क्योंकि अभी आई हैव मिक्स फीलिंग्स फॉर इट. समटाइम्स आई लाइक इट एंड समटाइम्स आई डोंट. सो आई डोंट नो इन फ्यूचर वेदर आई वुड लाइक इट और नॉट. सो नेक्स्ट अप वी हैव जे डॉट एम्बर लाइट. दिस वन इज़ अ वेरी प्रिटी बॉटल. आई रियली लाइक दिस बॉटल, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ. इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं. मैंने इसका कंप्लीट रिव्यू भी दिया है. इट्स कंप्लीटली अ समर टाइम फ्रेगरेंस. इट्स अ वेरी लाइट फ्रेगरेंस और बहुत ज़्यादा फ्रूटी फ्रेगरेंस है. एप्पल की इसमें सबसे ज़्यादा स्मेल आती है आपको फ्रूट्स में से, और ग्रीन एप्पल की फ्रेगरेंस है इसमें, और बहुत सारी फ्रूटी ग्रेप फ्रूट टाइप की फ्रेगरेंस भी आती है. तो इट्स रियली अ फ्रूटी फ्रेगरेंस. इट रिजेंबल्स विद जे डॉट परफ्यूम. मैं उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं किसकी बात कर रही हूँ. तो इट रिजेंबल्स जे डॉट परफ्यूम और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है. समर्स के लिए बहुत लाइट फ्रेगरेंस है. बट द क्वेश्चन इज, विल आई रीपर्चेज दिस और नॉट. आई थिंक आई विल नॉट रीपर्चेज दिस, बिकॉज ये बहुत लाइट फ्रेगरेंस है और इसका सियाज भी बहुत ज़्यादा नहीं है. लास्ट ये करती है, लेकिन अगर आप इसको ओवर स्प्रे करें तो ये शाम, जैसे आपने अगर सुबह इसको स्प्रे किया तो ये शाम तक आपके कपड़ों में रहेगी.
सो इट्स अ गुड फ्रेगरेंस फॉर समर, बट आई थिंक आई विल नॉट रिपर्चेज दिस बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, नथिंग यूनिक अबाउट दिस, सो आई थिंक आई विल नॉट रिपर्चेज दिस. सो नेक्स्ट अप वी हैव J.502 वसीम अकरम फॉर वेमेन. आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज दिस वन बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड क्लास काइंड ऑफ फ्रेगरेंस. इट्स द फ्रेगरेंस विच यू कैन से के कम्पीट विद अदर इंटरनेशनल ब्रांड्स, कि पाकिस्तानी ब्रांड्स में वुमेन्स के लिए मस्ट हैव है. तो ये तो एक मतलब आपको पास होनी ही चाहिए. अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड्स की कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने ये फ्रेगरेंस तो ज़रूर बाय करनी है बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास फ्रेगरेंस. बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है इसकी. इसकी फ्रेगरेंस की अगर मैं आपको बताऊँ तो इट्स अ वुडी फ्रेगरेंस, वुडी एंड सिट्रसी फ्रेगरेंस. इट्स रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, रिफ्रेशिंग विद सोफिस्टिकेशन. इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फ्रेगरेंस एंड इट्स वेरी काइंड ऑफ यू नो कोको मैडमोजेल टाइप फ्रेगरेंस विच यू कैन वेयर ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग फॉर्मल इवेंट्स, ड्यूरिंग ऑफिशियल सेटअप. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस विच इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वन. आई हैव रिव्यूड दिस फ्रेगरेंस ऑल्सो, सो आई विल लिंक दैट डाउन बिलो ऑल्सो. बट दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेगरेंस, मस्ट हैव फ्रेगरेंस है और आई विल डेफिनेटली बाय इट अगेन. देन वी हैव इज J.Dot प्लेजर परफ्यूम. दिस वन इफ यू टॉक अबाउट ये फ्रेगरेंस आई विल नॉट रीपर्चेज दैट्स फॉर श्योर बिकॉज इस ये फ्रेगरेंस ऐसी है कि यू कैन नॉट डिसाइड कि ये अच्छी फ्रेगरेंस है या बुरी बुरी फ्रेगरेंस है. मैंने भी अभी तक मैं भी ये डिसाइड नहीं कर सकी हूँ कि आई वेदर डू आई लाइक इट और नॉट, क्योंकि ये फ्रेगरेंस ऐसी है कि कभी आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगती है और कभी आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट. तो मेरे लिए वैसे ये है कि आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई डोंट इन्जॉय वेयरिंग इट. सो इफ़ यू डू नॉट इन्जॉय वेयरिंग सम फ्रेगरेंस इट मीन्स यू डोंट लाइक इट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्रेगरेंस नाउ. इसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी वुडी और सिट्रसी फ्रेगरेंस है. जो इसकी प्राइस है इसको ये जस्टिफाई नहीं करता है. तो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो फ्रूटी, जो सिट्रस है वो उसमें थोड़ा सा फ्रूटी इफेक्ट भी आता है, लाइक बर्गमॉट और लेमन. इस टाइप का जो है इसमें फ्रूटी सेंस भी आता है. सो दैट्स देयर. देन लेट्स टॉक अबाउट माई मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस फ्रॉम J.Dot ऑफ ऑल टाइम. दिस इज J.Dot फ्लोरा परफ्यूम और द परफ्यूम. यू कैन सी दिस इज ऑल्सो 100 ml बॉटल. आई लिंक द प्राइस डाउन बिलो. इसकी बॉटल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है पैकेजिंग, बट इट्स अ रियली इंटॉक्सिकेटिंग काइंड ऑफ फ्रेगरेंस. इट्स अ रोज फ्रेगरेंस एंड रोज जैसमिन एंड मस्क फ्रेगरेंस. इट्स अ मस्क रोज एंड जैसमिन फ्रेगरेंस एंड आई रियली लव दिस फ्रेगरेंस. इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स इंटॉक्सिकेटिंग, इट्स बेस्ट. सो विल आई रीपर्चेज दिस? डेफिनेटली आई एम गना रीपर्चेज दिस. आई कीप परचेजिंग इट बॉटल्स आफ्टर बॉटल्स. आई थिंक आई हैव टू कीप दिस इन माई कलेक्शन ऑल द टाइम बिकॉज इट्स दैट गुड. इट्स फॉर समर्स, इट्स फॉर विंटर्स, इट्स फॉर डे, इट्स फॉर नाइट. बेसिकली ये फॉर्मल इवेंट्स के लिए है लेकिन आप इसको डे टाइम में भी वेयर कर सकते हैं. डे टाइम में जो जैसमिन है दैट वर्क्स आउट एंड नाइट टाइम में जो रोज है दैट वर्क्स आउट. सो इट्स अ कम्प्लीट फ्लोरल फ्रेगरेंस एंड वेरी गुड फ्रेगरेंस, वेरी गुड मस्की फ्लोरल फ्रेगरेंस. आई थिंक आई हैव नेवर कम अक्रॉस समथिंग समथिंग दैट गुड. सो आई रियली लाइक दिस फ्रेगरेंस एंड आई रीपर्चेज इट एज आई टोल्ड यू गाइज. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड हैव दीज टू फ्रेगरेंसेज इन योर कलेक्शन ऑल द टाइम. दीज टू आर माई फेवरेट्स फ्रॉम J.Dot कलेक्शंस. एंड इफ वी टॉक अबाउट दीज टू देन आई डोंट थिंक आई एम गना रीपर्चेज दैम बिकॉज दे आर नॉट माई फेवरेट. एंड दिस वन इज़ नॉट जस्ट सो यूनिक एंड दिस इज़ जस्ट सो वुडी एंड सो सिट्रसी फॉर मी. आई डोंट लाइक इट. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट दिस स्मॉल फ्रेगरेंस आई थिंक आई एम नॉट नॉट गना रीपर्चेज दिस बिकॉज आई डोंट लाइक इट. ओके. एंड दिस वन मरजान, आई एम अ बिट कन्फ्यूज अबाउट इट वेदर टू रीपर्चेज दिस और नॉट. सो आई डोंट नो, कभी ये मुझे अच्छा लगता है, कभी ये मुझे बुरा लगता है. तो हो सकता है कि मैं इसको रीपर्चेज कर लूँ और हो सकता है मैं इसको ना परचेज करूँ. दैट्स इट. सो यू गाइज आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.